देश में महंगाई छूटी लगातार बढ़ती जा रही है। डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी धरने और प्रदर्शन कर रही है। अब सीधे आम लोगों से संपर्क वो करेगी। जी हां, इसके लिए कांग्रेस जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। कांग्रेस के जन जागरण अभियान चलाने के पीछे कारण साफ है कि अब तक जो धरने प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की ओर से किए जा रहे थे वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं तक ही सीमित रहे, लेकिन अब कांग्रेस अभियान के तहत निकाले जाने वाली पदयात्रा से सीधे आम जनता तक केंद्र सरकार की गलत नीतियों को पहुंचाएगी। 14 से 29 नवंबर के बीच में 7 दिन तक हर राज्य में यह अभियान चलेगा, जिसमें जिला व ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस नेताओं की ओर से पदयात्रा भी निकाली जाएगी। आपको बता दें कि इस अभियान के जरिए कांग्रेस सुबह 6 से 7 बजे तक प्रभात फेरियां और पदयात्रा निकालेगी। दिल्ली में पीसीसी अध्यक्ष तथा प्रदेश प्रभारियों के साथ हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई। यहाँ जन जागरण कार्यक्रम सफल होने के लिए इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस कार्यक्रम के लिए पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय सचिव ललित तूनवाल को समन्वयक बनाते हुए 13 सदस्यों वाला जयपुर में कंट्रोल रूम स्थापित भी कर दिया गया है, जो कि AICC के केंद्रीय कंट्रोल रूम के साथ समन्वय तो रखेगा ही, साथ ही जिलों से भी सीधा संपर्क रखेगा। इसी के साथ इस कंट्रोल रूम में अग्रिम संगठनों और भागों के एक एक सदस्य को रखा गया है। लोगों का रोजगार छूट रहा है और बेरोजगार लोग हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, ये तमाम मुद्दे लेकर लोगों के बीच में जाने के लिए एक जन जागरण अभियान 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच में 7 दिन का एक सप्ताह वो मनाया जाएगा और उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए उसका एक पार्ट है वो प्रशिक्षण शिविर भी है। उससे पहले कि लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए, लोगों को क्या जानकारी दी जाए कि किन नीतियों के कारण